अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के हमारी इस वीडियो में हमारे पास डेफिनेशन है कि साइक्लिक ग्रुप। लेट जी बी अ ग्रुप, जी इज कॉल्ड साइक्लिक इफ़ इट इज़ जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप है कि जी ब्रैकेट ए सच दैट ए की पावर एन इक्वल ई, वेयर हमारे पास ए स्क्वायर अप टू एन इक्वल टू ई होगा, क्योंकि हम साइक्लिक ग्रुप में ए की पावर एन की बात करते हैं। और अगर हमारे पास ए की पावर एन प्लस वन हो तो जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए की पावर एन प्लस वन इक्वल है ए की पावर एन मल्टीप्लाई ए की पावर वन। जब हम बेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो जब हम उन्हें सेपरेट करते हैं तो हमारे पास बेस और उनकी पावर सेपरेट हो जाती हैं। सिंपली हमारे पास साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप जी है और हमारे पास जी में से कोई एक एलिमेंट ए है, और अगर ए हमारे पास जो एलिमेंट है वो जी होल जी को जनरेट करता है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो ए है वो जनरेटर ऑफ जी है, जिसे हम लिखते हैं कि जी इक्वल है ए। और हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी इक्वल होता है एन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। इसके अलावा हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप में वो कभी भी जनरेटर नहीं हो सकता ग्रुप का। तो अब हमें एक एग्जांपल करेंगे जो कि हमारे पास है कि जी इक्वल है कर्ली ब्रैकेट पॉजिटिव नेगेटिव वन और पॉजिटिव नेगेटिव आयोटा अंडर ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि हमने कहा है कि हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो जनरेटर नहीं हो सकता ग्रुप का, तो मीन्स कि क्योंकि हमें पता है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो वन होती है, तो इसलिए हम वन को चेक नहीं करेंगे। बाकी हम चेक करेंगे कि इस ग्रुप के लिए हमारे पास जनरेटर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइनस वन की। जब माइनस वन ऑर्डर टू की बात करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन और माइनस माइनस प्लस और वन मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू वन। इस तरह माइनस वन ऑर्डर थ्री की बात करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और वन मल्टीप्लाई इक्वल टू वन इक्वल है माइनस वन। इस तरह जब हम माइनस वन के ऑर्डर को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास आंसर या तो वन आएगा या माइनस वन, तो मीन्स कि हमारे पास जो माइनस वन है वो जनरेटर नहीं है ग्रुप जी का। तो अब हम बात करेंगे पॉजिटिव आयोटा की। आयोटा ऑर्डर टू में पता है कि आयोटा स्केयर हमारे पास इक्वल होता है माइनस वन। इस तरह अब हम आयोटा ऑर्डर थ्री करेंगे तो हमारे पास आएगा आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल है आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल है माइनस वन और माइनस वन मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल है माइनस आयोटा। जब हम आयोटा ऑर्डर फोर करेंगे तो हमारे पास आएगा आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा मीन्स के फोर टाइम ऑफ आयोटा मल्टीप्लाई इक्वल है आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल है माइनस वन मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई पॉजिटिव आयोटा इज इक्वल टू वन। तो मीन्स कि हमारे पास जो आयोटा है वो हमारे पास जनरेटर ऑफ ग्रुप जी है, जिसका ऑर्डर हमारे पास फोर है, यानी कि ए की पावर फोर हमारे पास आया है इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इक्वल टू वन होते हैं। अब हम
चेक करेंगे मैनस अयोटा को। मैनस अयोटा स्क्वायर इक्वल है माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा इक्वल है माइनस माइनस प्लस और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। तरह माइनस आयोटा पावर क्यूब इक्वल है माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा थ्री टाइम मल्टीप्लाई ऑफ माइनस आयोटा इक्वल है माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा माइनस वन मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल है माइनस आयोटा और माइनस ऑलरेडी था तो हमारे पास आगे माइनस आयोटा इक्वल है आयोटा। तरह माइनस आयोटा ऑर्डर फोर इक्वल है फोर टाइम ऑफ आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा इक्वल है माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस वन मल्टीप्लाई आयोटा माइनस आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल टू वन। मीन्स कि हमारे पास जो माइनस आयोटा ऑर्डर फोर हमारे पास आंसर इक्वल आया वन जो कि हमारे पास आइडेंटिटी है अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो मीन्स कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ फोर इक्वल है आइडेंटिटी। तो मीन्स कि हमारे पास आयोटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमारे पास जनरेटर ऑफ जी हैं। हम लिखेंगे पॉजिटिव आयोटा और नेगेटिव आयोटा हमारे पास जनरेटर ऑफ जी हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई ग्रुप है एच जिसमें हमारे पास एलिमेंट हैं पॉजिटिव नेगेटिव वन जो कि हमारे पास सब सेट है जी का अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लाई इसके लिए हमारे पास जनरेटर होगा माइनस वन क्योंकि वन तो हमारे पास पॉजिटिव वन तो हमारे पास आइडेंटिटी है और हमने कहा है कि आइडेंटिटी हमारे पास जनरेटर नहीं हो सकता। तो अगर हमारे पास कोई ग्रुप एच है हो हमारे पास सब सेट है जी का तो हम कहेंगे कि हमारे पास साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने साइक्लिक ग्रुप और किसी भी ग्रुप के जनरेटर कैसे फाइंड किए जाते हैं वो देखा। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।